अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी बहुत ही मज़ेदार चिकन रोस्ट की रेसिपी, जो बेहद मज़ेदार बनता है और इंग्रेडिएंट्स कम होने के साथ साथ ना तो हमें इसमें तंदूर की ज़रूरत पड़ेगी, ना हमें ओवन की ज़रूरत पड़ेगी, ना तो हम इसको डीप फ्राई करेंगे और ना ही इसको हम स्टीम करेंगे। इसको आप सर्व करें रोगनी नान, चपाती या पराठे के साथ। बहुत ईजी एंड क्विक रेसिपी है। रेसिपी को लास्ट तक वॉच करिएगा ताकि कोई भी पार्ट आपसे स्किप ना हो जाए। तो चले आए जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। तो 1 किलो चिकन की रेसिपी है, ठीक है। सबसे पहले एक बाउल में शामिल करेंगे 1/2 पाव दही यानी 3/4 कप, काली मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, लाल कुटी मिर्च 1.5 खाने का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच या हसबे जायका, सफेद सिरका 3 से 4 खाने के चम्मच, लीमू का रस 1.5 से 2 खाने के चम्मच, लहसुन का पेस्ट, सिर्फ लहसुन का पेस्ट है 1 चाय का चम्मच। बस इसमें यही इंग्रेडिएंट्स जो है वो शामिल होंगे, जो अमूमन सबके घर में मौजूद होते हैं। और आप इसका फ्लेवर देखिएगा, बहुत ही ज्यादा मजेदार होगा, क्योंकि जो इसका बनाने का मेथड है ना, थोड़ा वो भी मैटर करता है, ठीक है। अच्छा, तो मैंने यहाँ पर 1 किलो चिकन के हिसाब से लेग लिए हैं। आप चाहें तो ब्रेस्ट का पीस या चिकन टिक्का पीस होता है वो भी ले सकते हैं, ठीक है। तो 1 किलो चिकन में 7 से 8 पीस मेरे पास आए थे और इनके ऊपर मैंने इस तरह से कट लगा लिया था ताकि हमारी जो मैरिनेशन है वो इसके अंदर तक जाए। चिकन रोस्ट के लिए मैंने यहाँ पर लेग यूज करे हैं। आप चाहे तो चिकन टिक्का पीसेस होते हैं आप वो भी यूज कर सकती हैं, या ब्रेस्ट का पीस होता है आप वो भी यूज कर सकती हैं। तो आप देख लीजिएगा। तो चिकन जो है हमारी अच्छे से मैरिनेट हो चुकी है। अब आप चाहें तो इसकी फौरन से कुकिंग स्टार्ट कर दें, क्योंकि चिकन है, मैं इसको 45 मिनट का रेस्ट दूंगी। अब 45 मिनट हो चुके हैं, चिकन जो है मैरिनेट हो चुकी है, तो अब इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। अब एक पतीली में 3 से 4 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे, या आप यूं समझ लें कि 1/2 कप से भी कम इसमें ऑयल शामिल करेंगे। जब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो फिर हमने मैरिनेट करे हुए जो लेग पीस है वो इसमें शामिल कर देंगे और इनको जो है वो हल्का सा फ्राई कर लेंगे कि इनका कलर जो है वो लेग पीस का चेंज हो जाए। आपने इन लेग पीस को जो है वो हाई फ्लेम करके 3 से 4 मिनट तक जो है वो अच्छे से फ्राई कर लेना है कि इनका कलर जो है वो चेंज हो जाए, और इनकी साइड चेंज कर करके आपने इनको फ्राई करना है। तो अब देखें, तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, हमारे जो लेग पीस हैं वो अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, इनका कलर जो है वो चेंज हो गया है। तो अब जो मैरिनेशन है जिसमें हमने इनको लेग पीस को मैरिनेट करके रखा था, तो वो आपने वेस्ट नहीं करनी है, वो आपने इसमें शामिल कर देनी है। अच्छा, इसके अलावा एक्स्ट्रा मैंने इसमें ना ऑयल, पानी, दही कुछ भी शामिल नहीं करा है। जो इसमें पानी आप लोगों को दिख रहा है वो चिकन का और दही का पानी है, तो इसी पानी में जो है वो चिकन हमारी अच्छे से गल जाएगी। तो अब इसको कवर करेंगे और 25 से 30 मिनट इसको लो फ्लेम पे जो है वो उसको कुक कर लेंगे। इस 25 से 30 मिनट में चिकन अपना पानी छोड़ेगी, दही अपना पानी छोड़ेगा, और जो चिकन के जो स्पाइसेस हैं उसी में चिकन जो है वो बहुत अच्छी से कुक हो जाएगी। अच्छा, 25 से 30 मिनट के दरमियान आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इसमें चम्मच नहीं चलाना है, आपने बीच बीच में कवर हटा के लेग पीसेस को जो है वो साइड चेंज कर करके इनको कुक कर लेना है, और जो ग्रेवी है आपने उसमें चम्मच चलाते रहना है ताकि हमारी जो ग्रेवी है वो नीचे से जले नहीं। अच्छा, जो हमारे लेग पीस हैं वो एग्जैक्टली 30 मिनट में फुल डन कुक हो चुके हैं, ये बहुत अच्छी तरीके से गल चुके हैं लेकिन टूटे नहीं हैं। तो अब आपने क्या करना है कि आपने हाई फ्लेम करके इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो ड्राई कर लेना है, और साथ ही इसमें स्मोक देने के लिए कोयले को जो है मैंने गर्म करने को रख दिया है। तो देखिये, मैंने इसका हाई फ्लेम करके सारा एक्स्ट्रा पानी जो है वो ड्राई कर लिया है, तो हमारा चिकन रोस्ट जो है वो रेडी है। तो अब बारी है इसको स्मोक देने की। अच्छा, स्मोक देने के लिए आप चाहें कोई भी रोटी का टुकड़ा, कोई फॉइल पेपर ले सकते हैं, और उस पर आपने कोयला रखना है, हल्का सा ऑयल ड्रिजल करना है और कवर करके आपने इसको 5 मिनट स्मोक दे देना है। तो बस जी, हमारे बहुत ही मजेदार स्टीम रोस्ट रेडी है, बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनता है और एनी गेट टुगेदर पार्टीज के लिए बहुत ही स्वीटेबल रेसिपी है, क्योंकि इंग्रेडिएंट्स कम होने के साथ साथ बजट फ्रेंडली भी है, बहुत ही आसान है इसको बनाना। मैं काफी टाइम से नोट कर रही हूँ आपने पूरी वीडियो वॉच कर ली है लेकिन आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा और वीडियो को भी लाइक नहीं करा है, तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। अब मैं आपको इसको तोड़ के दिखाऊं तो आप देखें इसके जो स्पाइसेस हैं वो इसके अंदर तक गए और कितना जूसी बना है ये, इसमें कोई रेडनेस भी नहीं है। जैसे अमूमन इस तरह के रोस्ट वगैरह में रेडनेस होती है और उसे देख के खाने का भी दिल नहीं चाहता है। तो आप इसको ट्राई करें, वैसे भी रमजान है तो इफ्तार पार्टीज में बना सकती है, एनी गेट टुगेदर पार्टीज के लिए बेहतरीन रेसिपी है, क्योंकि इंग्रेडिएंट्स कम होने के साथ साथ बजट फ्रेंडली भी है। सो ये थी आज की रेसिपी, आई होप आपको ये रेसिपी बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में एक और नई मजेदार सी रेसिपी के साथ। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।